भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इसी पर आधारित आज की हमारी कहानी है बायोटेक्नोलॉजी से बीई करने वाले यूथ पारस चोपड़ा की, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की सक्सेस जॉब छोड़कर उस फील्ड में अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया जिसका उन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं था। और वे आज 70 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर के साथ सक्सेस कारोबारी की लिस्ट में हैं। पारस ने जो हासिल किया वह बिल्कुल आसान नहीं था। पंजाब में जन्मे पारस चोपड़ा पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहने वाले बच्चों में से थे। कंप्यूटर से पारस का परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। जब उसके पिता अपने काम के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे तो उन्हें देखकर वो भी इसके प्रति आकर्षित हुआ। और करीब 13 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेला करते हैं, पारस प्रोग्रामिंग करने लगा। स्कूल पूरा होते होते वह प्रोग्रामिंग में माहिर हो चुका था और फिर उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और सब्जेक्ट के रूप में बायोटेक्नोलॉजी चुना। लेकिन उसके इस फैसले से पेरेंट्स खुश नहीं थे क्योंकि वे चाहते थे कि वह कंप्यूटर पढ़े, लेकिन उसने बायोटेक्नोलॉजी से ही ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। इस दौरान उसने कंप्यूटर में अपनी विशेषज्ञता को चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और मॉडल्स तैयार करने के लिए किया करता था और इस काम ने पारस में डाटा माइनिंग और एनालिटिक्स के प्रति दिलचस्पी पैदा कर दी। स्कूल के दिनों में एक बार उसे हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप पर एक लेख पढ़ने का मौका मिला जिसने उसे स्टार्टअप के लिए काफी प्रेरित किया। अपने इसी आकर्षण के चलते पारस ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ 3-4 अलग अलग स्टार्टअप में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन एक बिजनेस मॉडल के अभाव में ये बिजनेस में तब्दील नहीं हो पाए। 2008 में पारस ने गोल्ड मेडल के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद इंस्पायरिंग माइंड्स में बतौर R&D में इंजीनियरिंग की जॉब शुरू की। लेकिन स्टार्टअप की ख्वाहिश अब भी उसके भीतर थी। जॉब में करीब 1.5 साल गुजारने के बाद पारस ने अपनी रुचि के क्षेत्रों की एक लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया और उसके बाद मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन की थीम सामने आई और यहीं से उसे अपनी कंपनी विंगिफाई का आइडिया मिला। लेकिन उसे इस फील्ड का बिल्कुल अनुभव नहीं था। मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के बिना मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन में उतरना काफी जोखिम भरा फैसला था, लेकिन उसे खुद की काबिलियत पर भरोसा था और उसने जॉब के साथ ही इस पर काम करना शुरू कर दिया। पारस का मकसद गूगल एनालिटिक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का था जिसका इस्तेमाल यूजर अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने और उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर सके। करीब 8 महीने तक इस पर काम करने के बाद पारस कई फीचर्स वाले एक प्रोडक्ट तैयार करने में कामयाब हो गई और 2010 में विजुअल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर नाम के इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। सैलरी के कुछ हिस्से से शुरू हुई पारस की कंपनी विंगिफाई कुछ महीने में ही अच्छा बिजनेस करने लगी और फिर पारस ने जॉब छोड़कर अपना पूरा ध्यान इसी पर फोकस करने का फैसला किया और जनवरी 2011 तक कंपनी का टर्नओवर 20 लाख रुपए तक पहुंच गया, जो आज करीब 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है, जो पारस चोपड़ा की कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।